वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला गला और मैं हूं कांक्षा। डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, एक्ने, पिंपल, मार्क्स, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारी लाइफ को मेजरली अफेक्ट करती हैं। जब भी हम अपने आप को मिरर में देखते हैं हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। जब भी हम पिक्चर क्लिक करते हैं, चाहे ग्रुप फोटो हो चाहे तो सोलो फोटो हो, सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हमारी फेस पे जो मार्क्स हैं वो तो कहीं विजिबल नहीं है, और हम जनरली या तो फिल्टर्स यूज करते हैं नहीं तो उन मार्क्स को कंसील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉजिक एसिड एक ऐसा हीरो इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन पे किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन हो, एक्ने के मार्क्स हो, स्कार्स हो, टैनिंग हो या फिर आपकी स्किन डल हो गई हो, ये आपको ब्राइट और क्लियर स्किन देने में आपकी हेल्प करता है। हर तरह की पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन स्किन केयर एक्टिव है। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा जेंटल और सेफ भी है हर एक स्किन टाइप एंड कंडीशंस के लिए। आज की वीडियो में मैं द डर्माकोकी कॉजिक एसिड रेंज का रिव्यू और इसके साथ साथ अपना 20 डेज का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। द डर्माकोकी कॉजिक एसिड रेंज में आपको 2% कॉजिक एसिड फेस सीरम एंड 2% कॉजिक एसिड फेस क्रीम मिलती है। इसमें आपको 30 ml क्वांटिटी 499 rupees की मिलती है और इसमें आपको 30 g क्वांटिटी 499 rupees की मिलती है। इन दोनों ही प्रोडक्ट के साथ आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। इनकी MRP के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, लेकिन अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेरा कूपन कोड स्कॉलर20 लगाते हैं तो इन प्रोडक्ट पे आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा, जो कि इन प्रोडक्ट को और भी ज्यादा आपके लिए अफोर्डेबल बना देता है। द डर्माको जो ब्रांड है वो डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा डिजाइन की गई है। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी काफी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। द डर्माको की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि इनके प्रोडक्ट्स आप सभी लोग बहुत आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, 1.5 साल से मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ कि इनके प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली, एक्ने प्रोन और सेंसिटिव है, और मुझे मेरी स्किन के लिए स्किन केयर प्रोडक्ट खोजना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता था, लेकिन द डर्माको ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं मोस्टली प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे से सूट करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं मैं आपके साथ बिना किसी मेकअप और विदाउट फिल्टर बात कर रही हूँ। मेरी जो स्किन है वो ऑलमोस्ट क्लियर है, आप देख सकते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, लेकिन फिर भी अभी मुझे अपनी स्किन को कंसील करने की, अपनी रियल स्किन को कंसील करने की जरूरत नहीं है। द डर्माको की कॉजिक एसिड जो रेंज है वो आपको इवन स्किन टोन देने के लिए, हर तरह की पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए और आपको ब्राइट एंड इल्यूमिनस स्किन देने के लिए इनफ है। जो रेंज है ये मैं पिछले करीब 20 डेज से यूज कर रही हूँ। मैं जनरली ये प्रोडक्ट इवनिंग में यूज करती हूँ। आपको ये सीरम को फेस क्लीन करने के बाद लगाना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम वाटर लाइक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें किसी भी टाइप का हार्मफुल केमिकल तो मिलता ही नहीं है। इसके साथ साथ ये फ्रेग्रेंस फ्री रेंज है। द डर्माको के जो सारे के सारे न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उसमें आपको फ्रेग्रेंस नहीं मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको एकदम कंप्लीट मैट फिनिश देता है। और सिमिलरली ये जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये भी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है और नॉन ग्रीसी है और कंप्लीटली आपको एक मैट फिनिश देती है। एप्लीकेशन के टाइम पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये दोनों प्रोडक्ट को एक साथ यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल प्रोडक्ट ही आपको क्लियर स्किन देने के लिए सफिशिएंट है। अगर आप सीरम यूज कर रहे हैं तो आपको फेस क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप फेस क्रीम लेना चाहते हैं तो आपको सीरम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी सीरम की। इस सीरम में आपको कॉजिक एसिड के साथ साथ अल्फा आर्बुटिन मिल रहा है 1% की कॉन्सेंट्रेशन के साथ। इसके अलावा इसमें आपको नियासिनमाइड मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कॉजिक एसिड हर तरह की पिगमेंटेशन को तो ट्रीट करता ही है, यानी कि ये जो एग्जिस्टिंग पिगमेंटेशन है, मलाजमा है, उसे ट्रीट करने के साथ साथ इट मिनिमाइजेस द रीअकरेंस ऑफ डिस्कलरेशन। अल्फा आर्बुटिन पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स और
टैनिंग को फेड करता है, इसके साथ साथ इसका जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल एंड सेफ है। इट हेल्प्स टू मेंटेन ब्राइट एंड इवन कॉम्प्लेक्शन। इसमें आपको नाइसिनेमाइड मिल रहा है। नाइसिनेमाइड एक क्लिनिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन में प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो ज्यादा फॉर्मर लगती है, ज्यादा यंगर लुकिंग लगती है, यूथफुल लगती है। ये मेलानिन की कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये भी आपकी हेल्प करता है हर तरह के पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए। इसके साथ साथ ये ओपन पोर्स पे काम करता है, आपकी स्किन बैरियर्स को स्ट्रेंथ देता है और उन्हें रिपेयर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस एक बॉटल में आपको तीन अमेजिंग इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं। हीरो इंग्रेडिएंट कॉजिक एसिड, अल्फा अबुटीन एंड नाइसिनेमाइड। इसके अलावा इसमें आपको टर्मरिक, हिलोरानिक एसिड, विटामिन ई, रोजमेरी एंड विच हेजल जैसे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी कॉजिक एसिड क्रीम की, जो कि आपको इस टाइप की बहुत ही कॉम्पैक्ट पम्प टाइप के पैकेजिंग में मिलती है। इसमें आपको कॉजिक एसिड के साथ साथ विटामिन सी एंड ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है। विटामिन सी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हर तरह की पिगमेंटेशन को तो रिमूव करता ही है, फ्री रेडिकल डैमेज से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ग्लाइकोलिक एसिड एक माइल्ड एक्सफोलिएटर का काम करता है, जो डेड स्किन सेल को रिमूव करके आपके कॉम्प्लेक्शन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ साथ ये एक हाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। इस मॉइस्चराइजर में अगेन आपको तीन बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, जैसे कि कॉजिक एसिड, विटामिन सी एंड ग्लाइकोलिक एसिड। इसके अलावा इसमें नाइसिनेमाइड, सैंडला एसीआरटी का लीफ एक्सट्रैक्ट, एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, कैमेलिया लीफ एक्सट्रैक्ट एंड शिया बटर भी डाला गया है। ये बहुत ही ज्यादा लाइटवेट है, नॉन ग्रीसी है, कम्प्लीटली मैट है, लेकिन आपकी स्किन को इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। इस रेंज को 20 डेज यूज करने के बाद मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप होने के साथ साथ अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने है या फिर रेडनेस है, आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, तभी भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं। ये आपके एक्ने को एग्रीविएट नहीं करेंगे, ये हर तरह के पिगमेंटेशन को रिमूव करने के साथ साथ ओपन पोर्स की अपीयरेंस पे काम करते हैं, आपकी स्किन बैरियर्स को रिपेयर करते हैं, और मुझे पर्सनली ये दोनों ही प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगे। स्किन केयर बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव एंड पर्सनल होते हैं। अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही प्रोडक्ट चूज करने में द डर्मा को आपकी हेल्प कर सकता है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके स्किन असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न के हिसाब से सही प्रोडक्ट चूज करने में। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।